हाय, जैसे कि आपको मालूम है 14th नवंबर सिर्फ एक वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे नहीं है लेकिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है। ये अपॉर्चुनिटी मैं लेना चाहती हूँ कि आपके मिथ्स या कोई भी गलत फहमी होवे, विच आई थिंक इट्स एट लार्ज, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। आपको पता है कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स में शायद हाफ द पॉपुलेशन इंडिया में डायबिटीज़ उनको होगा ही। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं मीठा खाती ही नहीं हूँ या खाता ही नहीं हूँ तो मुझे शुगर होगा ही नहीं, या डॉक्टर मेरी शुगर इतनी हाई क्यों है, मैं मीठा खाती नहीं हूँ। हम सिवाय पानी के जो कुछ भी खाए उसकी शुगर होती है। हम अक्सर टाइमिंग्स प्रपोर्शंस चेंज करते रहते हैं, अक्सर हम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं और फिर वो शुगर बढ़ती जाती है। लोग बोलते हैं कि शुगर हाई हो ही नहीं सकती, मुझे कुछ होता ही नहीं है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ और ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब तक शुगर यानी फास्टिंग ब्लड शुगर 180 या 200 के ऊपर नहीं रहती है, शायद कुछ होता नहीं है। जैसे डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है, समझो पिछले 3 से 5 साल से शुगर बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। अगर आप पूछो कि नॉर्मल ब्लड शुगर क्या है तो समझो फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे ही रहनी चाहिए और पोस्ट लंच ब्लड शुगर यानी खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर 140 के नीचे होना चाहिए। हम आजकल एक नई टेस्ट भी करते रहते हैं जो हर 3 महीने के शुगर के बारे में जानकारी देती है, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और वो 5.7 के नीचे रहना चाहिए। जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि इंसुलिन लेना पड़ेगा, शुगर बहुत ही हाई है, तो इमीडिएट रिएक्शन यही होता है कि नहीं डॉक्टर, हम इंसुलिन नहीं लेंगे, हमको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। लेकिन वो बात गलत है। इंसुलिन शायद तब तक लेना पड़े कि शुगर थोड़ी सी कंट्रोल में आए और फिर टैबलेट्स पे आप जा सकते हैं। कहीं पेशेंट लोग के इंसुलिन डोजेस हमने बंद करके सिर्फ लाइफस्टाइल पे उनको कंट्रोल किया है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ कोई भी एज में हो सकता है, नन्हे बच्चे से एल्डरली तक। कहीं पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे बच्चे को डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ 2 साल का है या 5 साल का है। डायबिटीज़ कोई भी एज में होता है और जब बच्चों में डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन लेना ही पड़ता है। पर बड़े लोगों को जब डायबिटीज़ होता है मेनली वो लाइफस्टाइल चेंजेस और टैबलेट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं औरतें आती है जो हाउसवाइफ्स है, काम करने वाली औरतें होती है, वो बोलती है कि हम दिन भर घर में काम करते हैं, झाड़ू कटता, ये वो, ये तो हमारी सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं रहती है, उससे बदन, हड्डियाँ, जॉइंट सब कमज़ोर हो जाती है लेकिन शुगर कम नहीं होती है। एक्सरसाइज के लिए चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, और मेरे हिसाब से चलना कितना आसान है, भले आप घर में चलो, टेरेस में चलो, बिल्डिंग में चलो, लेकिन दिन में 1 या 2 बार चलना ही चाहिए, उससे बहुत सारी शुगर कम भी होती है। एक बार आप लोग समझ लो कि एक बार डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कभी भी क्योर नहीं होती है। कंट्रोल करना पेशेंट्स के हाथ में होते हैं और वो डॉक्टर की सलाह से, डाइटिशियन के सलाह से, न्यूट्रिशनिस्ट के सलाह से अपने लाइफ को एकदम नॉर्मल रख सकते हैं।